नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का ये जो हमारा वीडियो है वो है हाउ टू बैलेंस योर रूट चक्र, हाउ टू हील योर रूट चक्र। मतलब जिसके रूट चक्र अगर इम्बैलेंस हैं, ब्लॉक हैं या ओवर एक्टिव हैं, तो उनको क्या करना चाहिए रूट चक्र को हील करने के लिए या बैलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट तो ये है कि आप गायत्री मंत्र अगर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जेटिकली थोड़ा आपका चक्र जो है बैलेंस होगा। और एक्टिविटी वाइज देखा जाए तो रूट चक्र क्या बॉडी मूवमेंट मांगता है, तो बॉडी मूवमेंट के लिए क्या है, आप योगा पोजेस कर सकते हैं। योगा पोजेस में मैंने पहले बताया था जो बिगनर्स हैं उनके लिए सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और जो सर्वांग आसन है, ये तीन चीज़ें बेस्ट रहेंगी अगर आप योगा बिगनर हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रूट चक्र जो है वो बैलेंस होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको इसमें आप कोई ज़रूरी नहीं कि आपको योगा ही करना हो, आप डांसिंग भी कर सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहनी चाहिए और फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, अगर आपका रूट चक्र वीक है तो आप अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दीजिए, फाइनेंसेस को ग्रो करें, और अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने करियर को ग्रो करें। और अगर आपका इम्बैलेंस है तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही रूट जो फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही अपने करियर पर फोकस्ड हैं, जिसकी वजह से आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए आप कि आपको ज़्यादा हर कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी है, हर चीज़ में आपको बैलेंस रखना होगा। तो करियर में भी आप इतना ज़्यादा ना घुसें, पैसे के पीछे भी इतना ज़्यादा ना भागें कि आप बाकी लाइफ को इन्जॉय करना ही भूल जाएं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही भूल जाएं। इससे भी आपका रूट चक्र डैमेज होगा, इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो रूट चक्र को अगर आपको बैलेंस करना है, हील करना है, तो एनर्जेटिकली हील करने के लिए गायत्री मंत्र करें, बॉडी मूवमेंट करें जिसमें आप योगा कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, और अपने करियर को बैलेंस करें, मनी को बैलेंस करें, तो इससे आपका रूट चक्र बैलेंस होगा। और हेल्थ पर फोकस करें, हेल्थ मतलब अगर जो अनहेल्दी लोग हैं उनको हेल्थ पर फोकस करना होगा। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, अनहेल्दी तो वो भी बंदा है जो बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो, अनहेल्दी वो भी है जो बहुत ज़्यादा मोटा हो। हेल्दी का मतलब होता है फिट, एक इंसान जो ऑप्टिमम लेवल पर फिट हो, जो बीमार ना पड़ता हो, जो क्राइसिस में, इमरजेंसी में अपनी रक्षा खुद कर सके। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान को फिट रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये कॉन्शियस लाइफ है। एक है ना, कोई जानवर अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देगा, पर इंसान को भगवान ने इतना कॉन्शियसनेस, इतनी समझ दी है कि हम अपनी फिटनेस या अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, अपने कॉन्शियस लेवल पर चला सकते हैं। तो इसमें कोई बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमको हम जैसे हैं हमें सेल्फ लव करना चाहिए अपने आप को, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फिटनेस पर ध्यान नहीं दें, कि जैसे हैं वैसे ही मोटे हैं तो मोटे ही हुए जा रहे हैं, भाई ध्यान ही नहीं है। ये तो बिल्कुल पशु प्रवृत्ति वाली जीवन हो गया ना हमारा, हमको मनुष्य हैं, हमको मनुष्य की तरह रहना होगा। अपने आप को फिट बनाइए, और फिट बनाने के लिए रूट चक्र का ये है कि आप, रूट चक्र का कलर रेड होता है, तो आप जितने भी रेड फूड्स हैं वो खाइए, जैसे कि टोमेटोज़ वगैरह हो गए, जो भी रेड कलर के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो खाइए, उससे आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस होगा। और रेड कलर के आप कपड़े भी पहन सकते हैं, तो उससे भी असर पड़ता है। मतलब ये सब क्या, कलर की फ्रिक्वेंसी होती है जिससे एनर्जेटिकली आपके चक्रास पर असर होता है। ठीक है, तो ज़रा बॉडी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अब बॉडी फिटनेस क्या होता है, ये लोग पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी के लिए फिट और हेल्दी वेट 50 केजीज होगा, किसी के लिए 60 केजी होगा, किसी के लिए 65 केजी होगा, किसी के लिए 80 केजी होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी एज और आपकी हाइट। तो ये जो आपका चार्ट है, हेल्थ चार्ट, ये तो या तो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, या मैं आपको लिंक वगैरह या कुछ अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो उससे क्या होता है कि पहले तो आप ये देखिए कि इस वक्त आपकी एज क्या है, और ये देखिए इस वक्त आपकी हाइट क्या है, फिर उस एज और हाइट के हिसाब से वहाँ चार्ट में दिया रहता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना वेट मेंटेन करें जो आपकी फ़िटनेस लेवल होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको फिट रहना होगा, अपनी रक्षा करने की होगी कि इमरजेंसी में आप अपनी रक्षा कर सकें। और हाँ, प्रोटीन इनटेक भी करिए, डेली आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे एक शुभचिंतक हैं, सब्सक्राइबर, उन्होंने सजेस्ट किया था, तो बहुत बहुत थैंक यू उनके लिए भी। और तो ये आप सबके लिए
मैसेज है कि प्रोटीन इनटेक भी करना होगा आपको। अब प्रोटीन आप कैसे ले सकते हैं? प्रोटीन जैसे कि जो आपके दाल वगैरह हैं, पल्सेस, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और जो चने होते हैं वो खाइए, किडनी बीन्स मतलब कि जो हमारे राजमा होते हैं वो खाइए, छोले खाइए। इन सब चीज़ों से आपकी प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। और अगर डेली तो जो काले चने होते हैं ना वो खाइए, तो वो सही रहेंगे। तो ये तो रूट चक्रा की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।